जीविका और सात्विक की शादी में डॉक्टर मेघा ने बढ़ाई राजनंदिनी की परेशानी। कैसे करेंगी राजनंदिनी डॉक्टर मेघा को हैंडल? जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो अग्निसाक्ष से एक समझौता किए आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ जहां जीविका शादी को लेकर बेहद ज्यादा खुश होंगी, तो वह दूसरी तरफ सात्विक अपने हाथ पर जीविका का नाम देखकर काफी ज्यादा परेशानी में नजर आएंगे। जिस दौरान सात्विक के दोस्त उनसे अपने दिल की बात कहेंगे, बताएंगे कि कैसे उन्हें पता है कि सात्विक इस शादी से खुश नहीं है, बस नकली स्माइल दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेघा आ पहुंची जीविका और सात्विक की शादी में, जबकि पूरा परिवार संगीत फंक्शन के लिए स्टेज पर डांस करते नजर आएंगे। एक तरफ जहां जीविका के फैमिली से उनके भैया भाभी, तो वहीं दूसरी तरफ जूही और राजनंदिनी स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और इसी दौरान डॉक्टर मेघा मिलेंगे सात्विक के पिता से और जीविका से। इस दौरान डॉक्टर मेघा की बातें सुनकर सात्विक के पिता और जीविका को लगेगा बड़ा सदमा, क्योंकि डॉक्टर मेघा ये बताना चाहेंगी कि जीविका कभी माँ नहीं बन पाएंगी और इसके बावजूद उन्होंने जीविका को एक्सेप्ट किया है। हालांकि डॉक्टर मेघा ये बात कहे उससे पहले ही वहाँ पर जीविका के पिता आ जाएंगे, जिसके कारण ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही राजनंदिनी को ये बात पता चलेगी, वैसे ही वो डॉक्टर मेघा को जीविका और सात्विक के पिता से दूर लेकर जाएंगी, कहना चाहेंगी कुछ जरूरी बात पर। तभी वहाँ पर जीविका की आई आ जाएंगी, जो काफी ज्यादा परेशान होंगी अपनी बेटी को लेकर, जिससे राजनंदिनी नहीं कर पाएंगी डॉक्टर मेघा से बात। हालांकि आखिर में प्रदीप सात्विक को बताएंगे कि कैसे वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें सात्विक पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जीविका और सात्विक दोनों एक ही किस्म के इंसान हैं, दोनों का नेचर भी एक है और इसलिए वो आज बेहद ज्यादा खुश है। ऐसे में सात्विक को एहसास होगा कि कहीं उनका लेटर जीविका को मिला नहीं है और इसीलिए इस बात से सात्विक काफी ज्यादा परेशानी में नजर आएंगे। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।